हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रेखा गार्डनिंग एंड व्लॉग्स पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, कुछ दिनों बाद मैं नेपाल जा रही हूँ अपने घर। तो इसलिए मैंने सोचा लास्ट टाइम जो है जम्मू की नर्सरी हम विज़िट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे घर से पास ही में एक लोकल नर्सरी है, छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। तो हम पहुँच गए हैं नर्सरी में, तो अब हम एंटर करेंगे। उसके बाद आपको मैं एक एक करके जो है थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। बहुत ही सस्ते दाम में यहाँ पे आपको पॉट्स वगैरह, प्लांट वगैरह मिल जाते हैं, कुछ यूनिक प्लांट भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। मुझे बहुत पसंद है ये नर्सरी, मैं हमेशा कुछ भी मुझे लेना होता है मैं यहीं से लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो कलेक्शन है सेरेमिक पॉट्स के, बहुत ही प्यारे कलेक्शन है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से इसको सजा के रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ आपको सीमेंट के पॉट भी मिल जाएंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे, अलग अलग साइज़ में आपको यहाँ पे सीमेंट के पॉट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेरेमिक पॉट के जो कलेक्शन देखे, सबसे ज़्यादा कलेक्शन सेरेमिक का ही है। और आप देख सकते हो बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन, कलर, रंग, बहुत ही प्यारा कलर जो है सारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इंडोर प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, आउटडोर प्लांट है, तो अभी ना गर्मी की वजह से प्लांट बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एट्रैक्टिव प्लांट था वो है ये क्रोटोन का, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। येलो, इसमें कलर जो है येलो, ऑरेंज, ग्रीन का जो मिक्स कलर है बहुत ही प्यारा है, बड़ी बड़ी पत्तियों वाला। ये है सेफलेरा प्लांट, अम्ब्रेला प्लांट भी हम इसको कहते हैं। और ये है चाइना पाम, ये है ड्रेसिना मार्जिनांटा, और ये भी क्रोटोन की ही एक वैरायटी है। इसको क्रोटोन डस्ट भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारा जो है, इसकी भी बहुत प्यारी पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, बहुत प्यारा लगता है। और एग्लोनिमा का भी यहाँ पर बहुत प्यारा कलेक्शन है। ये सिंगोनियम है, सिंगोनियम भी बहुत ही प्यारा इंडोर प्लांट है। एग्लोनिमा आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी है। यहाँ पे कुछ यूनिक भी मिल गया मुझे, फिलोडेंड्रा वर्किंग। और ये देख सकते हो एग्लोनिमा एलिन भी यहाँ पे है, ये बहुत ही प्यारे प्लांट, मुझे बहुत पसंद है। और ये हो गया सॉन्ग ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आपको कलाथिया ज़ेब्रिना का प्लांट भी अवेलेबल है यहाँ पर, सॉरी मैं अटक गई। तो जैसे कि इंडोर प्लांट्स ना गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना जो आउटडोर प्लांट होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये मैंने मार्बल क्वीन पॉथोस देखा, ये इसकी पत्तियाँ ना बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। ये भी एग्लोनिमा की ही एक वेराइटी है, एग्लोनिमा एलिन, बहुत ही प्यारी वेराइटी है। इसमें यहाँ पर ना एग्लोनिमा की बहुत सारी वेराइटी, ये भी फार्म का पौधा है पार। यहाँ पे कुछ आपको डेफिन बेगिया मिल जाएगा, और क्रिसमस ट्री, क्रोटोन, बहुत सारे जो है इंडोर प्लांट आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेडी पाम भी है, लेडी पाम का कलेक्शन भी बहुत ही प्यारा है। बहुत ही जितने भी प्लांट्स हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट है। अरेका पाम देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े हैं और कितनी हेल्दी प्लांट्स हैं ये। और यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, ये क्रिसमस ट्री हो गया। जैसे कि देख सकते हो आप धूप में जो पौधे हैं वो कैसे झुलस गए हैं, इनकी पत्तियाँ जल गई हैं। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, और ये रबर प्लांट। और मैंने इसकी कटिंग भी आपको बताया था मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो रबर प्लांट की कटिंग कैसे लगानी है। तो ये देख सकते हो आप, मैंने ये वाली जो प्लांट है इसकी कटिंग आपको ग्रो करना बताया था, किस तरह से हम इसकी कटिंग को ग्रो करें। तो मेरे पास वो दूसरी वाली वेराइटी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये सबसे अच्छी लगी, टाइटल वाइन देख सकते हो आप बास्केट में कितनी प्यारी लगती है, ऐसे लटक के नीचे आती हैं लंबी लंबी। तो ये बहुत ही प्यारा बास्केट था, छोटा सा। और ये फाइकस का ही एक वेरीगेटेड वाला प्लांट है। फाइकस जो है बहुत ही प्यारा प्लांट, इसको आप बोनसाई भी बना सकते हो, कैसा भी शेप दे सकते हो। ये सारे मतलब बहुत ही प्यारे प्लांट मुझे यहाँ पे लगे, और फाइकस भी मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, कम से कम भी 4-5 फीट के प्लांट हैं। स्वीट पोटैटो वाइन भी है, और ये सारे आउटडोर प्लांट हो गए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, गर्मी की वजह से इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इसमें फूल नहीं आए।
ये तुलसी का पौधा है, बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही प्यारा है। इसका मुझे नाम नहीं पता दोस्तों, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। ये बोगनविलिया है, देसी वैरायटी है इसकी। बोगनविलिया भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे सारे गुड़हल हैं और यहाँ पे आपको ज़्यादा कलेक्शन जो है आपको रोज़ का मिल जाएगा, क्योंकि रोज़ में अभी फूल नहीं आए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है। और रोज़ जो प्लांट है ये सर्दियों का राजा है, तो सर्दियों में ही इसके जो है ज़्यादा फूल देखने को हमें मिलते हैं। गर्मियों में छोटे छोटे फूल आते हैं। यहाँ पे हर कलर के जो हैं फूल हैं रोज़ में, आपको ऑरेंज, येलो, पिंक सारा मिल जाएगा, रेड, मैरून सारा मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ मधुमालती की बेल है, मुझे बहुत ही पसंद है ये बेल, और बहुत ही हेल्दी प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ना मुझे एक ये बहुत ही प्यारा लगा, एकदम से छोटे छोटे से ना ये रोज़ है, इसको चाइना रोज़ भी कहते हैं। बहुत ही प्यारा, मतलब ये लगता है छोटा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोर पंखी, धूजा जिसे हम बोलते हैं, उसकी भी अलग अलग वेराइटी में जो है यहाँ पर। मैंगो ट्री भी आपको मिल जाएगा। और ये पूरा जो भी एरिया है ना, इतना ये सारा रोज़ का ही है, बस यहाँ पे सिर्फ रोज़ है। और देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरह से इन लोगों ने रखा हुआ है, इसी धूप में भी। अभी ज़्यादा धूप होने की वजह से ना इनको बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे प्यारा, जैसे मैंने आपको फाइकस दिखाया था, बिल्कुल फाइकस जैसा ही ये लगता है। ये बोगनविलिया वेरिएगेटेड वाली लीव्स वाली बोगनविलिया है, वाइट और ग्रीन मिक्स। ये ना इसमें फूल नहीं भी आए तो भी इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया, जैसे देख सकते हो ये, इस पर मैंने जैसे ही फ़ोन, मतलब जैसे मैंने इसकी वीडियो बनाने लगी ना, ये चमकने लग गया। देखो येलो ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। उसमें फूल भी आए हुए हैं, पिंक कलर के फूल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा ना ये वाला कलर जो है सबसे पसंद आया, बोगनविलिया में जो आता है वेरिएगेटेड लीफ वाला। यहाँ पे एक दूसरा भी वेराइटी है, इसमें ना गुच्छे में फूल आते हैं, जैसे एक्जोरा प्लांट भी नहीं आता गुच्छे में, बिल्कुल उसी तरह से इसमें फूल आते हैं, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे कुछ अडेनियम के प्लांट्स हैं, नींबू के प्लांट वगैरह हो गया, ये सारे एक्जोरा के प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। इस यहाँ पे इसमें मुझे ज़्यादा कलर नहीं दिखाई दिया, पिंक, बेबी पिंक और वाइट ही मुझे यहाँ पे इसके कलर मिले। और यहाँ पे भी वही छोटा सा नर्सरी है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में जो है प्लांट्स मिल जाएंगे। और पॉट्स वगैरह भी बहुत ही प्यार, मतलब आपको यूनिक प्लांट भी यहाँ पे मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस्मोस कितनी अच्छी तरह से ऑरेंज येलो कलर का यहाँ पे कॉस्मोस है, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है यहाँ पर। और मुझे यहाँ पे आना बहुत पसंद है, मुझे ना नर्सरी विज़िट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे अलग अलग तरह के फूल होते हैं, अलग अलग तरह के पॉट्स होते हैं, सेरेमिक पॉट्स। तो मैं एक्चुअली लेने गई थी हैंगिंग बास्केट, ये तीन जो कलर है मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना दो और ले लेती हूँ, पांच हो जाएंगे। तो मैंने एक ब्लैक कलर का ले लिया और येलो कलर का ले लिया। येलो कलर ना मुझे बहुत, सबसे ज़्यादा पसंद येलो कलर आया, बहुत चमक रहा है ये कलर। तो देख सकते हो आप जैसे कि सारे कलर में ना यही कलर बहुत चमक रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने जो भी मेरी प्लांट की पैकिंग वगैरह थी वो कर ली है, तो मैं ये हैंगिंग बास्केट लेके जाऊंगी। वहाँ पे जाने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गले में थोड़ी सी दर्द है इसलिए आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।